हाफिज सईद ये मास्टरमाइंड है उसके कि नहीं? अजमल कसाब जिस तरह से इंडिया में पकड़ा गया और 4 साल बाद उसके ऊपर कोर्ट के अंदर ट्रायल चले, उसके बाद उसको फांसी दी गई। देखिए हमारी इंसान की जो सोच होती है ना, इंसान उसी चीज को पिक करता। मौल साहब तो आप कलम को क्यों यूज करते हैं? पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन जो है ना उसके ऊपर नंगी चीजें कोई नहीं है। एक औरत को आप उसमें मैसेज लिख के भेजे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसी मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी पे भी लिख सकते हैं। मुसलमानों के लड़के हैं ना, ये बच्चे मुसलमानों के हैं, तो इनको दीन की दावत कौन देगा? कर रहा इंडिया तरक्की कर रहा है, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा, हम क्यों सवाल के शिकार है? हमारे ईमान की कमजोरी है। मैं और आप चलते हैं, मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी नमाज पढ़ता होगा उसका इखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी उससे बुरा होगा। क्यों ऐसी न्यूज है कि ग्लोबल साउथ समिट के अंदर, साउथ समिट जिसको लीड इंडिया कर रहा है, सर वहां पर इंडिया ने पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया? क्या इंडिया ये समझता कि अब साउथ के अंदर अब इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, वो समझते ही नहीं हमें कुछ? क्या है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, उसमें भी वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये तो है, जहाँ जहाँ उसका बस चलता तो वहाँ वहाँ वो पाकिस्तान को जो है ना तनहा करने की कोशिश कर तो रहा है, जिसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, वेस्ट की और यूएसए की मजबूरी है कि उन्होंने इंडिया को अपने चाइना के कंटेनमेंट, जो चाइना को कंटेन करना है उन्होंने, उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंटेन करना है, उसके लिए इंडिया उनके लिए बड़ा लाया है। इस वजह से वो इस तरह की बातें जो है ना उनके लिए वो मायने नहीं रखती। अभी यहाँ पर अमेरिका का ये स्टेटमेंट देना कि भाई 26/11 के अटैक के जो मामलात हुए थे उसमें एक टेररिस्ट को हम पकड़ा है जिसका नाम राणा समथिंग है, उसको कह रहे हैं इसके इंडिया के हवाले करेंगे, और अजमल कसाब जिस तरह से इंडिया में पकड़ा गया और 4 साल बाद उसके ऊपर कोर्ट के अंदर ट्रायल चले, उसके बाद उसको फांसी दी गई, तो क्या वाकई में ही वे पाकिस्तानी जो बता रहे हैं जिस तरह से अमेरिका यूएस ने बताया कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, क्या वाकई में पाकिस्तानी इन्वॉल्व है? ये तो अब कंट्रोवर्सियल बातें हैं, पाकिस्तान उन चीजों को इंडोर्स नहीं करता। अच्छा, पाकिस्तान ने वार और टेरर में, पहली बात तो आप सबको पता है पाकिस्तान ने वार और टेरर में जो है ना वर्ल्ड कम्युनिटी का साथ दिया, खास करके यूएसए की, और उसकी वजह से भी हमें जो है अभी तक उसके नतीजे भुगतना पड़ रहे हैं मामले पे। जिस तरह अब हमारी जो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर वगैरह हो गया, ये दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में आते हैं, और मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये भी, और तुर्की जैसे मुल्क जो है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान जैसे, और इराक, शाम वगैरह, यहाँ अभी तक खाना जंगे लगी, और ये आज की बात नहीं है, ये काफी टाइम से हो रहा है, और ईरान जो राइवलरी है, लेकिन उसी सूरत में मिडल ईस्ट जो है अरब वगैरह के, उनके इसराइल के साथ मामला ठीक है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो एक जो उम्मत का रिस्पॉन्स है वो आपको कहीं नहीं देखने में नजर आ रहा, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देखते नजर आएंगे। और सिविल स्ट्राइव की एक जंग लड़ रहा था, वो उन्होंने अपने मामला ठीक किए, ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलियर्स की बड़ी मिसाल है, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने जो है ना अपना फोकस जो था खुद की जंगों के बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में रखे, तो वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए, और उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को बेहतर किया, उन्होंने अपनी आर्मीज को बिल्डअप किया, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया, अपने जो है ना आर्मी के स्टैंडर्ड को बढ़ाया। हमारे पास अभी भी वो तुर्की के पास ही कुछ वो थे तोपे, उसके अलावा हमारे पास तो लड़ने वाली फौज जो थी जो डिफेंस के लिए यूज होती है ना, हमारे पास जदीद हथियार थे ना, हमारे पास जदीद एयर डिफेंस सिस्टम था ना, हमारे पास जदीद नेवी थी, तो उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी आप पीछे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपकी जो ना एथिक्स जो थी वो भी, उसमें भी मुसलमान जो सवाल पजीर शुरू हो गए थे। कबर में कोई सवाल नहीं होगा आप कौन है, ठीक है ना, तो दीन की बात होगी, कबर में कुछ नहीं पूछा जाएगा ना, दीन की बात होगी, दीन का पूछेंगे आपका रब कौन है, रबों का सब दुनिया के मामलात अच्छे होंगे तो छोड़ देंगे, दुनिया के मामलात के बगैर आप जन्नत चले जाएंगे, कबर में करेगा अच्छे कौन करेगा, दुनिया हम खुद करेंगे, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, अल्लाह करेगा, तो अल्लाह सब कुछ अल्लाह पे छोड़ेंगे, तो हम अल्लाह ताला ने दुनिया बजरिए मुशक्कत बनाई है दुनिया, जी जी जी, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हुक्म और नबी का तरीका, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो कि यार हमारा अल्लाह जो है वो कैसे राजी हो जाएगा, अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह ने हमें कलमा दिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म और नबी का तरीका इसके ऊपर है ही नहीं, हम ऐसे अमेरिका के पीछे, हम उनसे लोन भी, सवाल पूछता हूँ आपसे, आज अमेरिका तरक्की कर रहा, इंडिया तरक्की कर रहा, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा, हम क्यों सवाल के शिकार है? हमारे ईमान की कमजोरी है, हम देखते हैं कि ये भाई जो है ना, ये इसका बड़ा बंगला, इससे बड़ा बंगला मेरा हो जाए, बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमारे नबी के बंगले थे सर, बुरा बनाया, मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, हम मैं और आप चलते हैं, मैं और आप चलते हैं, मार्केट के अंदर चलेंगे,
जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी नमाज पढ़ता होगा उसका इखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी उससे बुरा होगा, क्यों ऐसा? बंदे का दीन नहीं है, नहीं है, दीन अल्लाह का है और उसके रसूल का है। शिफात अल्लाह के नबी करेंगे क़यामत के रोज। हम बंदों के पीछे लगे ये दाढ़ी वाला ऐसा, दूसरा दाढ़ी मोन ऐसा। जो बंदा गैर मुस्लिम है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके ऊपर ना कोई क्लेम ना करे, अगर ये कलमा पढ़ लेगा ना तो ये आपसे आगे चला जाएगा, बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर गैर मुस्लिम हमसे पूछता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं इस्लाम लेके आना चाह रहा हूं, मैं किसके किस कौन से फिरके में जाऊं, तो आप उसे क्या बताएंगे? ठीक है, कलमा एक है ना, कुरान एक है, नबी एक है, बात ही नहीं है। उम्मत क्यों बिगड़ी हुई है? देखिए मेरे भाई, उम्मत को हम और आप और मैं ठीक नहीं कर सकता। हमारे नबी को 13 साल लगे हैं, 23 साल की उनकी जिंदगी है, ठीक है ना, 23 साल की नहीं, जो 65 साल की। और नहीं सर, नहीं क्या आपने आपने क्या नबू, आपको नबूवत का ही नहीं पता है? नबूवत तो मुझे पता, 40 साल की उम्र में उनको जिन्होंने नहीं माना। अबू लहब कौन थे? कौन थे, कौन थे आप बताए ना? अबू जहल, अबू लहब, अबू लहब का नहीं पता, आप उनके चाचा था। दुनिया ना, दुनिया को आप पीछे लगे, आपको अबू लहब का नहीं पता, आप अमेरिका के पीछे लगे हैं। देखिये भाई, वो हमारे नबी के सक्के चाचा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ठीक है, वो किसारे में चले गए, लॉस में चले गए। दूसरी बात ये, जो बंदा हजरत बिलाल जो थे वो कौन थे? सहाबा थे। वो आपने फरमाया कि जब मैं मिराज के ऊपर गया ना तो जन्नत के अंदर हजरत बिलाल की जो जो आहट थी ना कदमों की, वो जन्नत में थी। मैंने जबरील से पूछा, जबरील ये किस चीज की आवाज है? तो जबरील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत बिलाल के चलने की आवाज है। अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम दिया है कि कम मिले फिर भी शुक्र करो, ज्यादा मिले फिर भी शुक्र करो। जिब्राइल आके ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी मांगो, क्या मांगते हो? अल्लाह के नबी मांगते मैं दुनिया की बादशाहत मांगता हूँ तो क्या अल्लाह ना देता? अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे जी। उन्होंने कहा हमारी चुदराहट जाती है, जैसे आजकल है ना जी, हमारी चुदराहट जाती है, हमारा गैर मुस्लिम के साथ लेन देन है, हम खुश होते हैं। तो होना नहीं चाहिए गैर मुस्लिम के साथ लेन देन? हवाई जहाज आज जो हम दुनिया के सामने हाथ ऐसे मांग रहे हैं वो सही है? बंद कर ले या बात करने दे जी, करें करें आप करें। ये जो हम हाथ बुला रहे हैं ना, ये हमारे अल्लाह पाक नाराज है। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं, देखो देखिए मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें एक पानी के लोथड़े में तैयार किया, फिर मैंने उसमें हड्डियां परोई, वो है परोने वाला, फिर मैंने उसके अंदर रूह डाली, ठीक है, फिर जब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया तो मैंने अपना फरिश्ता भेजा है। हमारा यकीन डॉक्टर के ऊपर है, हमारी है जन्नत। ये दुनिया मुश्किल रास्ता है यहाँ का, जिसने कलमा पढ़ा उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आगे हमारा काम है ही आगे। आपने कहा कि गैर मुस्लिम के साथ हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है, तो उनके साथ नहीं नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप उनसे बात करें, दीन की बात करें, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, आग से बचो। दुनिया का कोई लेन देन नहीं करना? दुनिया का करे ना करे, मैं तो नहीं चाहता कि दुनिया का लेनदेन करे। आप नहीं करे, आप नहीं चाहते कि कोई गैर मुस्लिम आपके गाड़ी लेने आता, आप उसको गाड़ी नहीं बेचोगे? नहीं, हम बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, उसको तो बताएंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट मुसलमानों की गाड़ी? नहीं, 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 उसको पता है। ये आपकी बातों में 100% आपकी तकरीबन 90% बातों से मैं आग्री करता हूँ। आपने जो लास्ट में ये बात की हमें गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, सर ये दुनिया की बात, सर ये दुनिया बजरिए मुशक्कत है, आप समझते क्यों नहीं है? दुनिया की अगर 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 दुनिया की आबादी देखेंगे तो जो नॉन मुस्लिम है जो कि आपके मुल्क को चला रहे हैं, जो कि जो अमेरिका आपके मुल्क को चला रहा है, जो 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 अमेरिका आपके मुल्क के ऊपर चला रहा है, जो पाकिस्तान में एक लंबे समय से ये बहस चल रही है कि देश के विकास और प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना चाहिए या धार्मिक शिक्षा और मान्यताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में मौलवी और वैज्ञानिक का प्रतीकात्मक अर्थ है। मौलवी धार्मिक शिक्षा और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वैज्ञानिक विज्ञान तकनीक और आधुनिकता के प्रतीक हैं। पाकिस्तानी जनता के बीच इस मुद्दे पर अलग अलग विचार हैं। एक ओर कुछ लोग मानते हैं कि देश के विकास के लिए विज्ञान और तकनीक महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं कि अगर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है और आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना है तो विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान में निवेश करना अनिवार्य है। ऐसे लोग वैज्ञानिक शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और चाहते हैं कि सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर दे। दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो धार्मिक शिक्षा और मौलवियों के नेतृत्व को अधिक महत्व देता है।
ये वर्ग मानता है कि इस्लामिक सिद्धांतों का पालन और धार्मिक शिक्षा ही सही मार्ग है, और वे चाहते हैं कि देश की नीति और शिक्षा प्रणाली इस्लामिक मूल्यों पर आधारित हो। उनके अनुसार धार्मिक शिक्षा से नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है, जो समाज के लिए आवश्यक है। हालांकि ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान में इन दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ओर जहां वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं धार्मिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। आखिरकार पाकिस्तानी जनता की पसंद इस बात पर निर्भर करेगी कि वे किस दिशा में अपने देश का भविष्य देखना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो विज्ञान और तकनीक में प्रगति पर आधारित हो, या एक ऐसा भविष्य जो धार्मिक मूल्यों और शिक्षा पर आधारित हो। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।